कोई बात नहीं, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब टाकने दे ना, क्या हो जाएगा? क्या कर लगा, क्या कर लगा तू? चली मेरे बारे में साथ शांता रहे, मुझे मारेगा रे साला, मुझे मारेगा। अपनी औकात दिखाए तो जैसे हमारे यहाँ 10 आदमी झाड़ू लगाते हैं, समझा? बैठिए बैठिए ठाकुर तुम हंसी बैठिए। और तू बेखूब पहचानता किसी को है नहीं है। अबे जीआरपी को बुलाऊंगा ना, जाना जीआरपी सीआरपी बोलो उधर ही हो। बॉडीगार्ड को देखा है अभी? बुलाऊं से पुष्पराज महेश्वर का विश्वके करे, काट के झुका दूंगा, समझे? काट के झुका दे बस, हम उधर का निहुरा दे। जीआरपी चालक समझाओ अच्छी तरह से। पुष्पराज का लड़का बन रहा है, पुष्पराज का भाई है, उसका बेटा है। बहुत मार मारेंगे तुमको, बहुत मार मारेंगे। मैं बच्चों का पढ़ा रहा तो बीच में तू क्यों बोल रहा है? शांत रहो, सवाल पूछने दो। दूसरा पढ़ाई जो पीरियड है, समय है अभी, बहुत मार मारेंगे। 100 भी बोल दिया, इसके बाद बहुत मार मारेंगे। साहिल कुमार आप खड़े हो जाइए, सेम क्वेश्चन सेम सवाल तुम्हारे लिए भी है। सन 1947 से पहले 19वीं सदी में जो लोग हमारे देश में शासन करने के लिए आए थे, और किस देश में किस मुल्क और किस प्रांत से आए थे? आप ही सवाल लिखिए, जो 1947 से पहले 19वीं सदी में जो भारत में शासन करने के लिए आए थे, किस देश किस मुल्क किस प्रांत से आए थे? वो ब्रिटेन से आए थे सर। तुमको मालूम था? मालूम तो मैं कब से इस सवाल को पूछ रहा हूँ, तो तू बताया कि नहीं? बेखूब कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं, जानते हैं जो बता दिया तू। हम जानते हैं कि सिवान हरिया रोड से आई रहे। सिवान बोर हरिया रोड तो हमारे बिहार में ही पड़ता है। अबे तो दूसरा क्या खाएगा? अच्छा अंग्रेज को बहुत मार खाएगा तुम बजो। बहुत मारेगा। और सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, हर एक वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी इस स्कूल में परसों एग्जाम है, यानी परीक्षा है। सभी कोई 100 रुपया परीक्षा शुल्क लेकर आएंगे, क्योंकि एग्जाम में 100 रुपया परीक्षा शुल्क लगी हुई है। और जो भी बच्चे परीक्षा शुल्क लेकर नहीं आएंगे, उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, और इस रजिस्टर से नाम काट के स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आज छुट्टी और आप लोग जाइए, कल 100 रुपये सभी को लेकर आएंगे, जाइए। बिहान से खा के नहीं थे, स्कूल में खाना मिली, और नाश्ता खातिर 3 बजे 100 रुपया रुआ अलग से दिए। तुम्हारा कान है कि काउंटर है? मैं क्या चीज बोला हूँ और तू क्या चीज सुन लिया? मैं तुमको 100 रुपया नाश्ता के लिए दूंगा। इस स्कूल में
हर एक वर्ष के बाद ही परीक्षा होती है। अच्छा। परसों अच्छा। परीक्षा है। हाँ। सो कल सभी को 100 रुपया परीक्षा शुल्क लेकर आना है। अरे बात सुनो, जो भी बच्चे परीक्षा शुल्क नहीं देंगे उनको नाम काट कर रजिस्टर से और उसको से बात कर देते। रोने के वाला इसमें क्या बात है? जिसके माता पिता यहाँ पर रहते हैं सबके को माता पिता मर जाएगा, एक दिन जाना ही पड़ता है। हम मर जाए, तू भी मर जाएगा, यही कहते हैं। ब्याह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा बाल बच्चा भी नहीं होगा और तू निसंतान मर जाएगा। सर कभी हमारे ब्याह लगाई ना अपना गाँव में। ये तो बात बढ़िया कहा है, लेकिन तू पढ़ लिख लो पहले। सर परीक्षा कोई समरा ना जोरी, सर बड़ा गरीब। परीक्षा शुल्क नहीं देगा तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। चुप चुप, हम जानते हैं कि तुम्हारे सर से माँ बाप का साया हट गया है, कोई नहीं छीन रहा है, लेकिन तुम्हारे माता पिता इतना नामी थे, और सब लोग जानते थे। क्या नाम था तुम्हारे पिताजी का, थोड़ा बताओ, हो सके तो मैं भी जानता हूँ। बाप के नाम बोका महतो। माँ के बकरी देवी। अच्छा। एगो भाई बा ओकर नाम खुशी कुमार, एगो छोट बहिन भी है ओकर नाम पाठी कुमारी। बोका का डर घर में रखे। अरे बोका महतो के ब्लॉक का ही लोग नहीं, उसको तो पूरे इंडिया का हो सके तो लोग जानते हैं। सभी को जानते हैं बोका महतो को, बकरी देवी को। काम के लिए कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम इतना गरीब हो तो तुम 50 रुपए लेकर आना, समझ गया? 50 रुपए लेकर आना और 50 रुपए मैं अपने तरफ से दे दूंगा, ठीक है? हम जाते नहीं सर।